हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जितने मेरे फ्रेंड चैनल को न्यू देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन नीट 2023 के रिगार्डिंग, नीट 2024 के रिगार्डिंग और नीट 2023 की काउंसलिंग की पल पल की खबर आपको मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपकी काउंसलिंग शुरू होने के कुछ ही दिन शेष हैं और आपका राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, फिर आपका जो मॉपअप राउंड है उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड इतना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप कैसे कम नंबर में भी एडमिशन ले सकते हैं और आपको कोई ना कोई कॉलेज, और वो भी अच्छा कॉलेज, आपको कैसे मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले दोस्तों आपको बता दिया जाए कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके। तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, उसकी कट ऑफ क्या रहती है, उनकी फ़ीस क्या रहती है, आपके एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आपको एडवाइस दी जाती है कि कहां पर आपको कॉलेज कौन सा लेना चाहिए। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा और बात करते हैं नीट 2023 काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट, सेकंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है। अब दोस्तों ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट होने के बाद, स्टेट का राउंड फर्स्ट होने के बाद, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड सेकंड होने के बाद, स्टेट के राउंड सेकंड होने के बाद, ऐसे ही मॉपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद आता है आपका स्ट्रे राउंड, जो कि एक बार ऑनलाइन लिया जाता है। और स्ट्रे राउंड के बाद भी ये चारों राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खाली, जो वैकेंट सीट रह जाती हैं, कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं बिकॉज उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, या वो दोबारा ड्रॉप करने की सोच लेते हैं। बहुत सारे रीजंस रहते हैं, हमारी जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। तो उन वैकेंट सीट्स में कुछ ऐसे, ज़्यादातर कॉलेज ऐसे होते हैं जो एक और स्ट्रे राउंड करते हैं, वो भी ऑफलाइन, और वो ऑफलाइन के जरिए दोस्तों सिर्फ एक नोटिस निकालते हैं, मान लीजिए 10 या 15 अगस्त की डेट डाल दी कोई भी एक, और बताएंगे कि इस दिन आपका फिजिकल स्ट्रे राउंड होगा, जो एट प्रेजेंट वहाँ पर आ जाएगा उसको जो एडमिशन है या जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाते हैं, आपको बताया जाता है बाकायदा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद कि हाँ भाई साहब, इन कॉलेज में अब स्टे वैकेंसी राउंड की डेट ये है, और इसी चैनल पर बताया जाता है आपको। वहां पर MBBS में, BMS में, BHMS में, BDS में, वहां पर आपको आसानी से सीट जो है कम मार्क्स में ही मिल जाती है, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होना पहली बार स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि फिजिकल स्टे राउंड इस कॉलेज में चल रहा है या नहीं चल रहा है, और हो जाने के बाद भी कम टाइम पर ना पहुंचने की वजह से या और बहुत ही रीजंस रहते हैं ये कंप्लीट ना होने के। तो इसलिए आप उस बात का फायदा उठा सकते हैं, और यहाँ पर आप MBBS की सीट भी आपको बाय लक मिल सकती है, अदरवाइज़ BMS, BHMS और BDS की सीट तो आपको 99% मिल ही जाती है। तो इसी के चलते दोस्तों आपके लिए स्टे वैकेंसी राउंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर किसी के जो मार्क्स हैं वो 500 के राउंड है और वो सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता, MBBS भी नहीं मिल सकता, तो वो ट्राई ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्जी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।